स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ शॉर्ट टॉपिक दैट इज हीट एक्सचेंज. वी हैव बीन स्टडीड अबाउट द हीट एक्सचेंज इन आवर प्रीवियस स्टैंडर्ड. वी हैव स्टडीड अबाउट द कैलोरीमीटर दैट वॉज अ इंस्ट्रूमेंट इन विच द हीट वॉज बीन ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, बट द हीट वॉज नॉट बीन ट्रांसफर आउटसाइड और आउटसाइड हीट वॉज नॉट ट्रांसफर इनसाइड. So now let us see about the heat exchange. If the heat is exchanged between the hot and the cold object, the temperature of the cold object goes on increasing due to the gain of energy, and temperature of a hot object goes on decreasing due to the loss of energy. Cold object chi heat ji ahe ti increase hot jate ani temperature pan increase hot jata, ani hot object cha matra temperature kami hot jata ani energy पण कमी होत जाते. का? कारण हॉट ऑब्जेक्ट आपली जी एनर्जी आहे ती कोणाला देणार? कोल्ड ऑब्जेक्टला. द चेंज इन द टेम्परेचर कंटिन्यू स्टील द टेम्परेचर ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट अटेन्स द सेम व्हॅल्यू. इन दिस प्रोसेस द कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन्स द हीट एनर्जी अँड हॉट ऑब्जेक्ट लूजेस द हीट एनर्जी. कोल्ड ऑब्जेक्ट हा हीट एनर्जी गेन करतो आणि हॉट ऑब्जेक्ट मात्र आपली हीट एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्टला देतो. इफ द सिस्टीम बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट आर आयसोलेटेड फ्रॉम द एन्व्हायरमेंट बाय कीपिंग इट इनसाइड द हीट रेजिस्टंट बॉक्स, मीनिंग दॅट द एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ओनली, देन नो एनर्जी कॅन फ्लो फ्रॉम इनसाइड द बॉक्स और कम इन टू द बॉक्स. इन दिस सिच्युएशन we get the following principle. Heat energy lost by the object, hot object is equal to heat energy gained by the cold object. म्हणजेच हीट एनर्जी जी हॉट ऑब्जेक्ट लॉस करतो किंवा देऊन टाकतो ती एनर्जी कोण घेतं? तर कोल्ड ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड एज अ प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज आणि ह्याला बोललं जातं प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. सो आय थिंक यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड अबाउट द प्रिन्सिपल ऑफ हीट एक्सचेंज.